आज ज्ञानवापी के मूलवाद से जुड़े मामले में एक महत्वपूर्ण फैसला आया है। हम उसी वाराणसी के एफटीसी कोर्ट के ठीक बाहर हैं। हमारे साथ अधिवक्ता सुभाष नंदन चतुर्वेदी जी हैं। चतुर्वेदी जी, एक लंबे समय से इंतजार थी हिंदू पक्ष को, क्या कुछ हुआ न्यायालय में आज? देखिए, न्यायालय में आज आदेश आना था। अतिरिक्त जो बचे हुए एरिया थे जमीनों के अंदर, जहां जीपीआर मशीनें काम नहीं कर पा रही थी, जहां उनका रेंज के बाहर था, वो सारी चीजों का हम लोगों ने मांग किया था कि इसका सर्वे पुनः जो कराया जाए। उसमें जो है ये भी मांग थी कि सेंट्रल डोम के नीचे जो शिवलिंग हमारा मूल अर्घा है, जो आदि विशेश्वर का है, जहाँ 100 फीट का शिवलिंग है, जमीन के अंदर है, जहाँ तक जो है जीपीआर मशीनें नहीं पहुँच पा रही है, उन को या तो सुरंग बना के जो है 4 फीट का गड्ढा खोद के अंदर अंदर, जिससे कि डैमेज ना हो, वो परिसर मंदिर का जो परिसर है वो डैमेज ना हो, उसको बचाते हुए आप जो है जमीन के अंदर से आए और मशीनों से सर्वे करें, इन सब सारी चीज़ों की। इसके अलावा सिल्ड एरिया शिवलिंग का रहा है, जहाँ वजूखाना जो पाया गया था जो है 18 सर्वे कमीशन में, उस कमीशन के दौरान जो वजूखाना में शिवलिंग जो मिला था उसकी भी मांग है जो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। इन सब सारी चीज़ों को देखते हुए माननीय कोर्ट ने आज इसको रिजेक्ट कर दिया है और अब ये रिवीजन के लिए आगे रास्ता जो है जिला कोर्ट में हम लोग का रिवीजन हम लोग वहाँ करेंगे। दो जो मूल प्रार्थना पत्र में बातें थी उन दोनों को रिजेक्ट कर दिया है, तो इसको लेकर अब आप लोग हाई कोर्ट? नहीं, यहाँ जिला कोर्ट, अभी तो ये सिविल जज एफटीसी ने सुना है, जिला कोर्ट यहाँ अभी वहाँ रास्ता खुला है, उसके बाद जो है हाई कोर्ट का रास्ता। कि एक पक्ष को यानी एक बड़ा झटका है? कोई झटका नहीं, कानून की प्रक्रिया ऑलरेडी हमारा एसआई सर्वे तो हो ही चुका है, तमाम एविडेंस हमारे कोर्ट में दाखिल हो चुके हैं, इसलिए कोई हिंदू पक्ष की कहीं कोई इसमें पराजय या झटके की बात नहीं है। कोर्ट की प्रक्रिया है और इसमें भी हम सफल होंगे। जो सारे क्षेत्र परिसर हैं 9130 के सारे परिसर में अंदर बाहर ऊपर नीचे सारे सर्वे होंगे और सर्वे के बाद जो है ये, इसलिए इसको शुक्रिया बातचीत के लिए। तो साफ है कि दोनों मामलों में, मूलवाद से जुड़े दोनों मामलों में जिसमें हिंदू पक्ष की याचिका थी, उसे वाराणसी के एफटीसी कोर्ट ने खारिज कर दिया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।